क्या नया पाकिस्तान क्या? पहले तो मैं आपको कहूँ, ये हम नया पाकिस्तान की बात करते हैं, हर वो जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है वो कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जाते जी, क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान? तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं, वो कहते हैं जी बेरोजगार हैं, किधर है नया पाकिस्तान? ये इसी तरह ही कराची के अंदर मसलन फ्लड आए हुए हैं, तो आप वो बेचारे लोगों के इतना इतना पानी आया हुआ, आप चाहें जी बताएं जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफें करेगा? तो जब मुश्किल मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किल हैं। एक मुल्क को आप मकरूज करके चले जाएं, उसको कर्जे देने हो, उसके पास मुश्किल से पैसा हो अपना मुल्क चलाने के लिए, कर्जे ले मुल्क चलाने के लिए, तो जब वो बेल्ट टाइटनिंग करता है, खर्चे कम करता है, तो उसमें तो लोगों को मुश्किल वक्त गुजरना पड़ेगा, ये तो दुनिया की तारीफ है। तो इसका ये नहीं मतलब कि अपनी ख्वाब छोटी रखो। देखिए दुनिया में जिसने भी कोई बड़ा काम किया है उसने अपनी सलाहियतों की वजह से नहीं किया, वो इसलिए नहीं कि वो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, वो इसलिए नहीं कि वो बड़े अमीर घर में पैदा हुआ था, वो इसलिए कि उसने बड़ा ख्वाब देखा था। जब एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया, पहला आदमी था, तो जितनों ने भी पहले कोशिश की थी वो फेल हो गए थे, या वो मर गए थे और या वो नाकाम हो गए थे। तो उसकी ख्वाब थी जो उसने कहा नहीं मैं कामयाब होऊंगा, तो सारी जिंदगी, अब तो बहुत लोग चढ़ चुके हैं उस पहाड़ के ऊपर, लेकिन एडमंड हिलरी को सारे याद रखेंगे कि वो पहला आदमी था जिसने इतना बड़ा काम किया। तो ये जो ख्वाब होती है वो एक इंसान को लेके जाती है। एक अंग्रेजी की सेइंग है कि जज नॉट व्हाट अ पर्सन इज, डू नॉट जज अ पर्सन बाय व्हाट ही इज, जज हिम बाय व्हाट ही एस्पायर्स टू बी। उसकी ख्वाब क्या है? अगर मेरी ख्वाब सिर्फ ये है कि मैं क्लब क्रिकेटरी बनना है तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर तो नहीं बनूंगा। तो जो भी ऊपर जाता है ये याद रखे जिंदगी में बड़े काम करता है उसकी सोच बड़ी होती है। किसी ने सोचा ही था ना कि इंसान को चांद पे जाना होगा, सब लोग दुनिया हंसते, मेरी जिंदगी में मैंने बड़ों को सोचा कि क्या मजाक है चांद पे जाना है? कोई कहता था दुनिया ही खत्म हो जाएगी, हम एक जुना बाप के साथ गया जुमे के खुतबे पे, वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी कोई चांद पे चला गया। तो होते सारे ऐसे दीवाने ही बड़े काम करते हैं। जो ह्यूमन माइंड है, जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, अशरफुल मखलूकात, फरिश्तों को भी कहा था इंसान के सामने झुको, अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं अंदाजा कि मैंने इसको वो पावर दी है, नॉलेज दी है जो तुम्हें भी नहीं दी, लेकिन वो हम पहचानते नहीं क्योंकि हमारी एम्स ही बड़े छोटे होते हैं, हमारी सोच ही बड़ी छोटी सी होती है। सोच ही होती थी पावर में आए, अपनी शुगर मिल्स लगा ली, फैक्ट्रियां लगाई, पैसा बनाए, लंदन में बड़े बड़े घर ले लिए, हमारी सोच इतनी रह जाती है और वो फिर हम उतने ही इंसान रह जाते हैं। बड़े सोच वाले महातर मोहम्मद, नया शहर उसने बनाया है आज मलेशिया में, देखने वाला शहर है जो उनका कैपिटल है, ये महातर मोहम्मद ने बनाया। तो जब वो शुरू कर रहा था लोगों ने कहा जी फेल हो जाएगा, इतना खर्चा किधर से आएगा? आज आप उसको जाके देखें। और इसी तरह दुनिया में जब भी कोई बड़ा काम हुआ है पहले वो बड़ी ख्वाब होती है। तो ये जब मुझे पता चला रावी प्रोजेक्ट का, तो उन्होंने कहा जी बड़ी पहले से सोच थी, मुझे पता था कि क्यों नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे थे उनकी नंबर वन प्रायोरिटी अपना मुल्क नहीं था, उनकी नंबर वन प्रायोरिटी थी कि वो कितनी दौलत बनाते हैं पावर में आके। वो कभी भी नहीं बना सकते बड़ी चीजें, वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम जब भी आप बड़ी ख्वाब के पीछे जाते हैं, सबसे पहले मैं आप बार बार आपको एक फ्रेज बताता हूं, किश्तियां जला के जाते हैं। मतलब कि जब आप उसके पीछे जाते हैं तो फिर कोई वापसी का रास्ता नहीं होता, फिर ही इंसान का पोटेंशियल निकलता है। जब इंसान फैसला कर लेता है कि मैंने अब ये करना है और कोई पीछे का रास्ता नहीं, फिर इंसान के अंदर से जो अल्लाह ने सलाहियतें दी है, जो ताकत दी है, वो तब ताकत निकलती है। जब आप पीछे आधा रहो, अच्छा जी अगर ये नहीं होगा तो मैं कुछ और कर लूंगा, कभी कुछ नहीं, बड़ा काम नहीं हो सकता ऐसे।
ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जो एक पूरा नया शहर बनाना है आसान काम नहीं है, इसमें बड़ी मुश्किलें आएंगी, रास्ते में रुकावटें आएंगी। मैं अभी भी सोच रहा था मैं कि किधर किधर से रुकावटें आएंगी, रुकावटों ने आना है, लेकिन ये हम फैसला कर लें कि ये शहर लाहौर की भी जरूरत है, पाकिस्तान की भी जरूरत है। लाहौर की जरूरत इसलिए है कि जिस तरह लाहौर फैलता जा रहा है ये अनसस्टेनेबल है। इस लाहौर के अंदर जो 40% लाहौर कच्ची आबादियां हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले, वो किधर रहेंगे, किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि हमारी जो माइंड सेट है पाकिस्तान का वो एलिटिस्ट माइंड सेट रहा है। हम जो मुल्क अपना पोटेंशियल पूरा नहीं कर सका, उसकी वजह ये क्या है कि सारे फैसले करते हैं छोटे से तबके के लिए। जब ये हुआ कोरोना का, तो मैंने पहले दिन जब मुझे कहा ना जी लॉकडाउन लगा दो, वो देखे जी इटली में भी लग गया, उधर भी लग गया, स्पेन में भी, और देखिए अब इंग्लैंड भी लगा रहा है, तो आप भी लॉकडाउन कर दे। तो मैं बार बार एक सवाल पूछता था कि लॉकडाउन तो हम लगा दें, लेकिन वो दिहाड़ीदार, वो गरीब लोग, वो कच्ची बस्ती, उनका क्या बनेगा? किसी ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको फिक्र ही नहीं थी कि इनका क्या बनेगा। किसी ने ये सोचा ही नहीं कि जब आप एक जो आदमी मजदूरी करके दिहाड़ी करके बेचारे अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको जब आप बंद कर देंगे वो कैसे जिंदगी गुजारेगा, वो बच्चों को कैसे खिलाएगा? लेकिन अपना सोच रहे थे, छोटा सा तबका अपना सोच रहा था कि मैं तो इमरान खान तो जनाब जमान पाक या बनी गाला में आराम से बड़े घर में रह रहा हूं, मेरे लिए तो लॉकडाउन कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो बल्कि छुट्टी है, सरकारी नौकरों की तो छुट्टी थी, घर आराम से बैठ जाए, उनको तो तनख्वाहें मिल रही थी। किसी ने नहीं सोचा कि इस तबके का क्या होगा, और वो ही नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में उसका नहीं सोचा। आज हिंदुस्तान में अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है, सबसे ज्यादा दुनिया में जो इकोनॉमी गिरी है वो हिंदुस्तान की गिरी है, क्योंकि 4 घंटे पे नोटिस पे उसने मुल्क बंद कर दिया। बेचारे गरीब लोग, वो जो देहातों से शहरों में काम करने आए थे, वो कितने 100 मील चल के जा रहे हैं, बीवी बच्चे गरीब लोग भूखे, क्योंकि वहां की रूलिंग एलीट ने सोचा ही नहीं कि ये भी इंसान है। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान बना था, एक बड़ा अजीम ख्वाब था, एक फलाई रियासत, मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम एक ख्वाब थी वो, कि पहली दुनिया की फलाई रियासत बनी थी। गरीब लोग थे जब महाजर गए उधर मदीना, तो किसी के पास बड़े थोड़े थोड़े पैसों में बड़ी मुश्किल गुजारा किया, लेकिन तब भी उन्होंने फैसला किया कि जो भी स्टेट की जिम्मेदारी होगी, उसके गरीब कमजोर तबका, उनके बेवाओं, उनके यतीम, उनके गरीब, स्टेट ने जिम्मेदारी ली। और मेरा ये थीसिस ये है कि इसलिए वो एक अजीम कौम बने, इसलिए नहीं कि पहले पैसा आया और फिर उन्होंने गरीबों का किया, उन्होंने पहले फलाई रियासत बनाई, फिर अल्लाह की बरकत आई और उन्होंने दुनिया की एक वो इंकलाब लेके आया जो दुनिया की तारीफ में कभी नहीं आया। और चाइना ने, मॉडर्न डे चाइना ने हमें साबित करके दिखाया है कि जब उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से ऊपर किया, चाइना भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अजीम पावर, सारी दुनिया उसे खौफजदा है कि आगे ये जिस रेट पे चाइना जा रही, ये कैसे दुनिया इसका से कंपीट करेगी। ये है हमारी पाकिस्तान की ख्वाब। हम जब नया पाकिस्तान की बात करते हैं, पहली दफा पाकिस्तान में गरीब लोगों को हेल्थ कार्ड दिया, हेल्थ इंश्योरेंस दिया, कभी कोई नहीं सोचता था कि गरीब जो मुश्किल से अपने भी बच्चों का पेट पालता है, तो एक बीमारी हो जाए तो वो क्या करता है, वो किधर से पैसे लेके आते हैं। तो पहली दफा हेल्थ इंश्योरेंस इंशारा पंजाब और केपी में सारी हम सबको कवर करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, और शुरू कर दिया हमने। दूसरी चीज, हमेशा मैं यह जब से GT रोड से हम वो पुराने रावी के पुल से जाते थे दाता साहब के पास, वो सड़कों के ऊपर बेचारे फुटपाथ के ऊपर लोग पड़े हुए हैं, सारा वो उसका जो डीजल की वो जो सारी
वो उसके उनके ऊपर आ रही है ट्रकों की, क्यों रात में सारे ट्रक्स आते थे, सारी मिट्टी वो उनके ऊपर आ रही है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इनके लिए हम कुछ कर दें। मैं हमेशा ये सोचता था, कभी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि ये इंसान है। आज इंशाल्लाह जो हमने पहले हमने पनाहगाह शुरू की, अब हमने पनाहगाह के स्टैंडर्ड सेट करें कि वो पनाहगाह के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड होगा। ये नहीं होगा कि ऐसे बेचारे गरीब आ गए तो उनको कोई खाना, उनका खाना स्टैंडर्डाइज होगा, उनके लिए बकायदा साफ कपड़े, उनके बेडशीट साफ होंगी, उनके उसलखाने साफ होंगे, उनको गर्म पानी मिलेगा, उनको इंसान बना के हम इंशाल्लाह रखेंगे, उनको भी कहेंगे कि ये आपका पाकिस्तान है। और उसी तरह ये जो हमने अब हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर नई हाउसिंग की है, अफोर्डेबल हाउसिंग, पहली दफ़ा पाकिस्तान में, पहले तो रोटी कपड़ा मकान एक स्लोगन थी, ये पहली दफ़ा हम अब लोगों के लिए जो हमारी हाउसिंग अब शुरू हो रही है नया पाकिस्तान हाउसिंग में, बकायदा हम सिर्फ यही नहीं कि हम हर जगह जो भी सोसाइटी बनेगी अब उसके अंदर गरीबों की हाउसिंग रखेंगे, बकायदा उनके लिए हमने पैकेज दिया है 30 अरब रुपए का, उनको सब्सिडाइज करके घर देंगे। उनके लिए हम कम इंटरेस्ट रेट, 5% इंटरेस्ट रेट पर अगर वो बैंक से पैसा लेते हैं तो उनको कम इंटरेस्ट पे, यानी पहली दफा तनख्वाहदार गरीब तबका मजदूर उनको मौका मिलेगा कि वो भी अपना घर खरीद सके पाकिस्तान में। और ये जो इंशाल्लाह रावी प्रोजेक्ट होगा इसमें बकायदा अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, ताकि ये ना हो कि वो बेचारे कच्ची वादियों में लोग रहे, वो भी यहाँ आके उनके लिए भी घर हो। और फिर जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबों को ऊपर से गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम है। 200 अरब रुपया हमने उसके लिए रखा, कभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पैसा ही नहीं रखा, जिसमें कई चीज़ें हैं, कर्जे देंगे सस्ते सूद के बगैर, लोग हुनर सिखाएंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, और उसके अंदर ये भी है और दे रहे हैं, और उसके अंदर ये भी है कि देहात के अंदर ख्वातीन के लिए उनके लिए भैंसें गाय, ताकि वो अपने गुजारा कर सकें, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, प्रोटीन लेवल ऊपर कर सकें। फिर पहली दफ़ा स्टंटिंग के ऊपर काम हो रहा है, बाकायदा हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये जो बच्चे जो खुराक ना होने की वजह से कद भी नहीं पूरे होते, उनका जेहन भी नहीं बनता, वो भी पहली दफ़ा अब हमने लॉन्च किया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में स्टंटिंग के खिलाफ एक पूरा प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं, और इसके ऊपर भी ये एहसास प्रोग्राम से कर रहे हैं। मैं आपके लिए आखिर में ये जो बात करना चाहता हूँ लाहौर सिटी का, ये जिस तरह उस्मान ने बताया कि इसके जो लाहौर का पानी का मसला, ये बहुत शदीद और तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी वाटर टेबल नीचे जा रही है। तो ये जो बनेगी लेक और ये वाटर फ्रंट बनेगा, इसका मकसद ही ये होगा कि लाहौर का जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज होगी, पानी ऊपर आएगा। फिर जो सीवरेज सिस्टम है, जो लाहौर में सारा सीवरेज जाता है रावी में, और रावी से सारा सीवरेज नीचे तक जाता है, और इससे इतनी बीमारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट से पूछा कि वहां का जो पानी है वो ज्यादातर उसमें आर्सेनिक है, यानी वो लोग वो पानी पी रहे हैं जिससे मजीद बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हेपेटाइटिस बढ़ता जा रहा है। तो पहली दफ़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे, रावी में जो पानी जाएगा वो साफ करके भेजेंगे। मैं जब शुरू में सिंगापुर गया तो सिंगापुर में जो मेन दरिया जाता है उसके बीच में से, वो बिल्कुल काला था, सीवरेज थी वहाँ। वही दरिया 10-15 साल के बाद हमने देखा, वो मछलियाँ थी, साफ पानी था, उन्होंने साफ कर दिया अपना। तो इसलिए ये जो आज आप रावी देख रहे हैं, इसके अंदर पानी भी और आएगा, इसके अंदर जो सारा लाहौर का पानी ट्रीट करके फिर रावी में आएगा, तो रावी का भी रिजुविनेशन है, एक रावी भी एक फिर से एक दरिया बनेगा, और कम से कम नीचे जो पानी जाएगा लोगों के अंदर बीमारियां नहीं फैलाएगा। लेकिन इसका ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अब मॉडर्न सिटी के अंदर अब हम उस तरह बनाएं जो कि जिसको कहते हैं ग्रीन सिटी, इसके अंदर बकायदा किधर जिस तरह 60 लाख दरख्त उगेंगे, वो जो हमारी बिल्डिंग्स बनेंगी, बकायदा सीवरेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल, फिर जो क्लस्टर्स होते हैं आईटी का अलहदा, जो अब बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे जा रही है, उसके लिए अलहदा सेंटर होगा, एजुकेशन सेंटर, ये पूरी प्लान्ड सिटी अब बनने जा रही है। और ये जब आप एक मॉडल सिटी बनाते हैं तो उसको देख के फिर बाकी भी शहर
अपने स्टैंडर्ड्स ठीक करने शुरू करते हैं। जो लाहौर में अनप्लान्ड सेटलमेंट है, इंशाल्लाह वो अगले फेज़ में उस तरफ भी जाएंगे। मैं फिर से उस्मान आपको और राशिद अजीज़ जिस स्पीड पर जा रहे हैं आप, ये प्रोजेक्ट में स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त बड़ा इंटरनेशनल इंटरेस्ट है इसके अंदर, नेशनल इंटरेस्ट है। मैं ये से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से अपनी टीम पूरी करें, आपका पूरा ऑफिस फंक्शनल होना चाहिए, टाइम कम है हमारे पास, बाहर इंटरेस्ट ज़्यादा है और कोई डिलेज नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। और ये याद रखें कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें, जब भी आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हमारा आपका CM ऑफिस भी पूरी तरह आपके पीछे खड़ा होगा, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो हमारा पूरा उधर से पूरी आपको जनरल हैदर बैठे हुए हैं जो कि पूरी आपको फेडरल गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करेगी कि किसी किस्म के आपके प्रॉब्लम्स आएँ। ये जो एरिया बनेगा ये सारा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसमें सारा जो पैसा आएगा वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। सिर्फ गवर्नमेंट का काम होगा कि उनके लिए फैसिलिटेट करें, उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, सड़कें बना दें, जो आज आगाज़ कर दिया हमने, और उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट से इंशाल्लाह ये सारा प्रोजेक्ट खड़ा होगा। और इसमें जो सबसे आप देखते रहेंगे सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे आके, वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एहसास है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आएंगे। बहुत शुक्रिया।